लेक्चर्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि डिग्री सेल्सियस को डिग्री फारेनहाइट में और डिग्री फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, उसकी मैंने आपको बेस बताई थी। उस बेस की बुनियाद पर हमने फार्मूला ड्राइव किए थे। उनमें से पहला फार्मूला हमने ये ड्राइव किया था कि अगर हमें डिग्री सेल्सियस मालूम हो तो डिग्री फारेनहाइट कैसे मालूम करते हैं। उसके लिए आया था F इज इक्वल टू 9/5C+32, और इसी फार्मूले से हमने ड्रा किया था कि C इज इक्वल टू 5/9 विथिन ब्रैकेट F-32। यानी ये फार्मूला इस चीज़ के लिए था कि अगर डिग्री फारेनहाइट हमें मालूम हो तो हम डिग्री सेल्सियस में उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं या उसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, इन फार्मूलों में मैंने फिर आपसे ये बात भी डिस्कस की थी कि जब हम ये चीज़ सीखते हैं तो हमें मतलब याद भी रहता है, इजी रहता है, लेकिन बहुत सारा वक्त टाइम गुजर जाए, बहुत सारे दिन गुजर जाए, तो फिर हम जो ना वो कन्फ्यूज जाते हैं। फिर हम जो ना वो बोलते हैं कि एन एफ इज इक्वल 9/5 था या 5/9 था, क्योंकि आपके पास दो फिगर आ रही होती है जहन में, 9/5, 5/9। तो अब आप कन्फ्यूज होते हैं कि ये कौन सा फार्मूला था। अगर आपने उलट लिख दिया तो जाहिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो उसकी वजह से मैंने हल ये निकाला था, और ये ऑलरेडी यूज़ करते हैं हम, F is equal to 1.8C+32। ये मैंने कहाँ से ड्राइव किया था, आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि 9/5 में यदि 9 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 1.8 आ जाएगा, C as it is रहेगा, plus 32 as it is रह जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे ये प्रॉब्लम खत्म हो गया, ये कंफ्यूजन खत्म हो गया कि 9/5 था कि 5/9 था। ठीक है, तो यूं जो है आप सिर्फ ये दो फार्मूले याद करने के बजाय सिर्फ एक फार्मूला याद कर लें कि जिससे आप दोनों जो डिग्री स्केल्स हैं, टेम्परेचर के डिग्री स्केल्स हैं, ठीक है, उन दोनों को आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे से। तो उसी के लिए हमने क्वेश्चन लिया है कि हम एज ए नर्सिंग स्टूडेंट ये जानते हैं या मेडिकल प्रोफेशनल ये लोग जानते हैं कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड कितने फारेनहाइट के बराबर होता है, एवरीबडी नोज वेरी वेल। लेकिन इसको हम इस फार्मूले को यूज़ करके देख लेते हैं कि आया ये आंसर है या नहीं। तो देखिए, हमें क्वेश्चन दिया गया है कि कन्वर्ट 37 डिग्री सेंटीग्रेड टू डिग्री फारेनहाइट। अब हमें क्या करना है, हमने सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन में लिखेंगे एज वी नो दैट। हमेशा याद रखिए कि जब हम किसी चीज़ को सॉल्व करते हैं तो उसमें प्रीवियस कोई चीज़, कोई फार्मूला इस्तेमाल करना होता है, तो हम उसमें लिखते हैं कि एज वी नो दैट के बाद वो इंफॉर्मेशन लिखते हैं जो कि हमें मालूम होती है कि हमने ये फार्मूला सीखा हुआ है, यहाँ पर मौजूद है कि F इज इक्वल टू 1.8C+32। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, उस याददाश्त की बुनियाद पर वो हम फार्मूला लिखेंगे। अब हमें यहाँ पर C तो दिया हुआ है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, हमें फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। इट्स मीन कि सेंटीग्रेड जो है वो C इज इक्वल टू 37 है। अब हम क्या करेंगे कि इस फार्मूले में हम 1 ये F इज इक्वल टू एज इट इज रहने देंगे, इसके बाद 1.8 जो है इसको एज इट इज रहने देंगे, सिर्फ हमने C की जगह, क्योंकि C बराबर है 37 डिग्री के, वो हम लिखेंगे और प्लस 32 एज इट इज रहने देंगे, हमें कुछ चेंज नहीं करना। ठीक है, उसके बाद हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपके पास, आप अगर एग्जाम में हैं तो आप इस तरह से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एटीएम का टेबल आता है तो ठीक है, अदरवाइज डबल मल्टीप्लिकेशन आप लोगों ने तरीकेकार आप लोगों को आता है, क्योंकि पहले 8 से आप मल्टीप्लाई कर लें, लिख दें, फिर उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करें, लिख दें, फिर उनको ऐड कर लें। लेकिन हमें एटीएम का टेबल अगर आता है तो हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट 18 से थोड़ी देर के लिए आप क्या करेंगे, पॉइंट को भूल जाएंगे, डेसिमल को भूल जाएंगे, तो डेसिमल को अगर छोड़ देते हैं तो 18 हो गया ऊपर 37, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 × 7 = 126। तो 126 से हम क्या करते हैं कि यूनिट वैल्यू थी वो यहाँ पर लिखते हैं, वो जो बाकी बचते हैं उनको हम बाकी ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, और ये 3 है सेकंड हमारे पास वैल्यू जो है, 18 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 18 = 54 में जब हम 12 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 66। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये होगा 666 होगा। ठीक है, यानी कि आंसर हुआ हमारे पास। लेकिन चूंकि हमारे पास जो ओरिजिनल वैल्यूज थी उनमें 1.8 था, यानी डेसिमल के बाद एक डिजिट था, तो हमें डेसिमल कहाँ लगाना है ये डिसाइड करने के लिए हमें देखना पड़ता है वापस, क्योंकि ओरिजिनल वो रहना चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट की या डेसिमल के बाद एक डिजिट है 8,
एक डिजिट है तो हम क्या करेंगे, राइट साइड से काउंट करेंगे, एक डिजिट ये, इस डिजिट के फौरन बाद हम यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे। अगर कोई इस तरह की वैल्यू भी यहाँ पर भी पॉइंट दिया हुआ होता, डेसिमल होता, तो फिर हम क्या करते हैं, डेसिमल के बाद कितनी वैल्यूज हुई हमारे पास, दो वैल्यूज हुई, एक सेवन और एक एट। तो फिर हम क्या करते हैं, राइट से दो को काउंट करते हैं और दो के बाद हम डेसिमल लगाते हैं। लेकिन एट दिस स्पॉट हमारे पास क्या है, एक पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद एक एक डिजिट है, तो एक हम काउंट करेंगे, उसके फौरन बाद जो है हम डेसिमल लगा देंगे। इस तरह हमारा आंसर आया 66.6। ये हमारा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लीकेशन के रिजल्ट को। तो ये प्रोडक्ट हम क्या करेंगे, इस दोनों की मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पर लिखा। अब इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये प्लस भी मैंने आपको रफ वर्क करके दिखा दिया यहाँ पे, इसको हम इसको आप एज ए रफ वर्क, अगर आप एग्जाम में भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपके पास पूरी आता है एग्जाम में, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको रफ वर्क करके साइड पर इस तरह से यहाँ पे कुछ भी लिखें आप, नो प्रॉब्लम, कोई एग्जामिनर आपके नंबर वगैरह माइनस नहीं करेगा, ठीक है, बल्कि आपकी ईमानदारी महसूस होगी कि आपने खुद किया है, सामने नजर आ रहा होगा ना। तो 66.6 और 32, अब देखिए यहाँ पे 32 का देखिए मैंने डेसिमल लगाया, जीरो लगाया है, तो ये अंडरस्टूड होता है, डेसिमल लगाने के बाद जितने जीरो लगा लें तो 32 ही रहेगा, ठीक है, कोई गलती ना हो इसलिए हमने इसको इस तरह से लिख लिया है। तो 6 लिखा डेसिमल के लिखा डेसिमल आ जाएगा, 6 और 2 8 हो गया और 63 9 हो गया, तो 98.6। तो हमारे पास इन दोनों को हमने जब ऐड किया, इसका सम जो है हासिल जमा जो है वो हमारे पास 98.6 हो गया। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। तो इस तरीके से हमने ये सबूत दे दिया, ये जो हमने फार्मूला ड्राइव किया था, ये फार्मूले में अगर वैल्यूज रखेंगे तो इस तरह से मालूम कर सकते हैं। और नर्सिंग प्रोफेशन में मालूम भी है कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम ये करते हैं कि इसी तरीके से आप ये कर सकते हैं कि 37 की जगह 39 आप रखकर अपनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसी तरीके से 38 डिग्री सेंटीग्रेड को आप कन्वर्ट करके देखिएगा, ठीक है, क्या आंसर आते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपको पक्का पक्का जो है, जैसे हमें होगा ना कि अच्छा सा हमें स्ट्रेंथ हो गया हमारी नॉलेज कि हाँ वाकई ऐसा है, तो उसके लिए मैंने आपको एक जो बहुत पॉपुलर वैल्यू थी 37 को मैंने आपको कन्वर्ट करके दिखाया। तो यहाँ से ये सबूत मिल गया कि बहुत अच्छा सा फॉर्मूला, अगर याद कर लेते हैं तो आप बिल्कुल आप करेक्ट आपका आंसर होगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, अभी हमने ये किया था कि डिग्री हमें सेंटीग्रेड दिया हुआ था और डिग्री फॉरेनहाइट में कन्वर्ट किया था, ठीक है। अब हम बहुत मशहूर जो हमें मालूम है, ऑलरेडी मालूम है, लेकिन ये 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट 37 डिग्री सेंटीग्रेड आया कैसे, ठीक है, उसके लिए हमने जो फार्मूले सीखे हैं उसका हम इस्तेमाल देखते हैं, ठीक है। और उसके लिए मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हमें कोई क्वेश्चन मिलता है उसका हम सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखने के बाद जो हमें नॉन इन्फॉर्मेशन होती है सबसे पहले हम वो लिखते हैं, उसका सहारा लेकर उस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हमने ये सीखा था कि हमारे पास एक फार्मूला मैंने आपको कहा था कि याद कर लीजिए सिर्फ, उससे आप दोनों प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो आज आपको इसका सबूत मिलने वाला है, ओके। तो f इज इक्वल टू 1.8c + 32, ये मैंने कहा था कि आप याद कर लें फार्मूला तो दोनों मसले हल हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको फॉरेनहाइट दिया हुआ था कि 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट दिया गया है और इसे हमें कन्वर्ट करना है सेंटीग्रेड में, तो फार्मूला हमने वही इस्तेमाल किया है, वही फार्मूला इस्तेमाल करके हमने क्या किया है कि f की जगह पर 98.6 लिखा है, इक्वल टू की जगह इक्वल टू है, 1.8c + 32 + 32 एज इट इज, कुछ ना करें एज इट इज लिख दें आप। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये वैल्यू लिखने के बाद आप ये देखें यहाँ पर 1.8c + 32 है, अब हमें c की वैल्यू मालूम करनी है, इसलिए इसके साथ जो वैल्यूज होती हैं उन्हें हमें इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस प्लस के 32 के इक्वल टू के इस तरफ लेकर आते हैं, तो आपको ये मालूम है कि इक्वल टू के एक जानब से दूसरी जानब वैल्यू लेके जाएँ तो वहाँ पर उसके उलट अमल होता है, यानी कि अगर यहाँ प्लस हो रही है तो इधर माइनस होगी, इधर माइनस हो रही है तो इधर आकर प्लस होती है, अगर यहाँ मल्टीप्लाई करती है तो यहाँ आके डिवाइड करती है, यहाँ पे डिवाइड कर रही हो तो इधर आके मल्टीप्लाई करती है, उसी फार्मूले के तहत, ठीक है। हम ये करते हैं कि 32 यहाँ पर लाते हैं तो 98.6 - 32 हो गया,
यानी पहले से मौजूद था, इसमें हमने क्या किया प्लस का इधर लेकर आए, तो ये माइनस का हो गया, इक्वल टू एज इट इज रहा 1.8c रहेगा, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर लेंगे। जब हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 66.6, ठीक है। आप प्रैक्टिकली करके देख लीजिए, अगर आपने इज इक्वल टू 1.8c जैसे था वैसे हमने लिख दिया। अब हमने क्या किया है यहाँ पर कि 1.8 भी हमें यहाँ से ले जाना था इक्वल टू के दूसरी जाने, तो 1.8c यहाँ पर है, तो ये 1.8c सी को क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर कोई अननोन वैल्यू लिखी हुई हो और उसके हिसाब कोई नंबर लिखा हुआ हो या अल्फाबेट ही क्यों ना हो, जैसे मिसाल के तौर पर अगर बी और सी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन होता है। अच्छा, अब ये 1.8 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या करेगा, माइनस करेगा, सॉरी डिवाइड करेगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर तो इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो आपने देखा यहाँ पर सी अकेला रह गया और सी में मालूम करना था। अब हम क्या करते हैं कि सी इस तरफ लिख लेते हैं और 66.6 1.8 कंप्लीट का कंप्लीट हम उस तरफ ले जाते हैं, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि हमारे पास ये वैल्यू बन गई 66.6 और 1.8, तो अब हम क्या करें कि इस 1.8 से 66.6 को हम डिवाइड करके देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं तरीका हम इस्तेमाल करते हैं, एक सादा सी जो तकसीम होती है, डिवीजन होती है, वो हम करते हैं कि 66 पॉइंट ऊपर वाली वैल्यू भी इसको अंदर लिखते हैं हम इस डिवीजन के साइन के, और 1.8 जो नीचे था ये डिवाइड कर रहा था तो ये डिवाइड करने वाले को डिवाइजर को इधर हम लिखते हैं, ये डिविडेंड होता है। अब इसको हमने क्या किया 18। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ समझाने वाली है कि आप डेसिमल वाली अगर वैल्यूज उन्हें कैसे डिवाइड करेंगे, उसके लिए तरीका है कि उन्हें किसी भी वैल्यू को होल नंबर में चेंज करना होता है, तो ये दोनों की दोनों ही चूंकि डेसिमल में है तो यहाँ पे आपको मतलब मुश्किल होगी थोड़ी सी, ठीक है, इसको सॉल्व करने, तो क्यों ना हम इसको होल नंबर में चेंज कर लें। होल नंबर में चेंज करने का तरीका ये होता है कि एक डिजिट ये बाद है तो इस डेसिमल को आप उठाकर इधर ले जाएं, जो चेंज आप यहाँ करेंगे, ठीक है, वही चेंज आप यहाँ पर करेंगे, यानी कि एक डिजिट को यहाँ से इस डेसिमल को एक डिजिट इस तरफ ले आएंगे। जब एक डिजिट आप इस तरफ ले गए तो अब ये कितना हो गया 666 हो गया, डेसिमल आउटसाइड पर चला गया, ठीक है। तो इसका आपने मालूम है कि अगर मिसाल के तौर पर 66.000 आ गया है तो जाहिर है क्या पढ़ा जाता है इसको, अगर ये ना भी लगाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस तरीके से 666 हो गया और यहाँ पर 1.8 हो गया 18। अब 18 का टेबल हमें याद होता है, ठीक है, 18 का टेबल हम 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा 54। एक और आगे नंबर बढ़ाते हैं हम, ठीक है, और आगे करके हम देखते हैं तो हम 4 टाइम्स तक पढ़ते हैं तो 18 4 72 हो जाता है, जो कि 66 से ज़्यादा है। इट्स मीन कि हमें 3 तक हम टेबल लेंगे और 18 3 54 54 में से हम इसको 66 से माइनस करेंगे, 6 में से 4 गया 2 बाकी बचता है, 6 में से 5 गया 1 बाकी बचता है। यहाँ पर जो रिमाइंडर था 6 था, इस 6 को हमने यहाँ पर इसके साथ लिख लेते हैं। अब ये टोटल वैल्यू हुई 126। और अब हम 18 का टेबल हम जब पढ़ते हैं तो 18 7 का जो है वो 126 हो जाता है, 126 से नीचे हमने 126 लिखा, इसमें से माइनस करेंगे कुछ बाकी नहीं बचेगा। इस तरह हमारा जो कोशेंट हासिल तकसीम या जो रिजल्ट होता है डिवीजन का उसे हम कोशेंट कहते हैं या आंसर कहते हैं, तो हमारा आंसर आ गया 37। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कोशेंट ही कहते हैं, ठीक है, और वैसे इसको हम आंसर कहते हैं आम लैंग्वेज में, तो ये हमारा आंसर आ गया 37। अब हम क्या कहेंगे कि इस पूरे 66.6 अपॉन 1.8 की जगह पर हम इसकी जो हमारा आंसर है वो आंसर लिख देंगे। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि 98 को अगर हम रखकर देखते हैं तो हमारे पास सी आ गया 37। तो हम कह सकते हैं कि 98.6 डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड और सेल्सियस, एंड दे हैव प्रूव्ड इट। डिफरेंट जो है आप इसी तरह से वैल्यूज दीजिएगा, बाव का तुम्हारे जो मरीज होता है उसको 101 टेम्परेचर होता है, 103 टेम्परेचर होता है, 104 टेम्परेचर होता है, तो आपसे अगर कोई कन्वर्ट करने के लिए कह दे कि यहाँ पर लिख दिया 104 डिग्री फारेनहाइट और उसको डिग्री सेंटीग्रेड कितना होता है,
तो आप इसी तरीके से फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर 98.6 था वहाँ पे 104 था, 104 आप लिखेंगे और इस तरीके से आपको बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैंने दो चीज़ें यूज़ की हैं, एक तो फार्मूला यूज़ किया है, ठीक है, ये फार्मूला किस तरह ड्राइव हुआ इसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने दे दिया है। इसके अलावा एक जगह यूज़ हुआ था कि डेसिमल को डेसिमल वाली वैल्यू से डिवाइड करना था, तो इस सिलसिले की मेरी कंप्लीट वीडियो है जिसमें कि डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय डेसिमल नंबर, डिवीजन ऑफ होल बाय डेसिमल नंबर एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय होल नंबर जो है वो मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब किया गया है, और इन दोनों वीडियोस का मैंने लिंक आपको दे दिया है मेरे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के, तो काइंडली उस अगर वो वीडियो आप देखना चाहें तो ज़रूर देख सकते हैं। इसके अलावा कोई आप कमेंट्स करना चाहें तो ज़रूर कमेंट्स में आकर आप लिखें, और जिस मौजू पे मैं वीडियो नहीं आपको दरकार हो, आप चाहते हो कि उस मौजू पे मैं वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप जो है ज़रूर जो है अपने कमेंट्स में लिखें। और आखिर में वही रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों से शेयर करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अंदाज से मैथमेटिक्स में, चूँकि हमारे नर्सिंग प्रोफेशनल्स को डिफ़िकल्टी होती है ख़ास तौर पे जो न्यू कमर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, इसके अलावा कुछ सीनियर्स भी हैं जो मैथमेटिक्स में वीक थे, तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, तो ये वीडियोज़ अगर वो देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला उनका यह प्रॉब्लम दूर होगा, और उन ये वीडियो रिपीटेड देखने से उनके मैथमेटिक्स इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, जिससे हमें नर्सिंग केयर में भी बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि हमें बहुत सारे जो है कैलकुलेशन ऐसी करनी होती हैं जैसे ICU है, CCU है, पीडियाट्रिक यूनिट्स है, पीडियाट्रिक ICU है, ठीक है, और नर्सरी वगैरह में हमें बहुत कम या बहुत माइन्यूट से मिकदारें देना होती हैं जिसकी वजह से हमें उसकी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है। तो ये चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मैथमेटिक्स की और डोसेज कैलकुलेशन की वीडियोस आपको मिलती रहें, और आपको जो प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ ज़रूर आप कमेंट्स करें और उसमें आप लिखें। थैंक यू।